हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सॉरी गाइज, मेरी वीडियोस थोड़ा लेट हो गई हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। मैं कोशिश करूँगी अब यार, मैं सीरियसली इस चीज़ पे वर्क करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ कि मेरी जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियोस पोस्ट कर दिया करूँ। और तो ये वीडियोस हैं, मैं किसी ट्रिप पे नहीं जा रही हूँ एक्चुअली। ना मैंने इनको बोला था कि मुझे ना इस क्रिसमस पे ना विंग कैफ़े जाना है, क्योंकि यहाँ की रील ना बहुत वायरल हो रही है और मुझे ना ये लोकेशन देखनी है। तो ऑब्वियसली बात है, एज अ पार्टनर उन्होंने मेरी इस विश को पूरा किया और उन्होंने मुझसे बोला कि चलो ठीक है, इस क्रिसमस हम विंग कैफे में ही शेयर मतलब सेलिब्रेट करेंगे। और हम यहाँ के लिए निकल चुके हैं और मुझे नहीं पता था यार कि मतलब मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब 2.5 घंटे का रास्ता हम यहाँ पे गए थे, क्योंकि हमारी लोकेशन भी ये बहुत दूर थी और ठंड इतनी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये फिर भी हम ठंड को इग्नोर करते हुए, और देखो मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे कि मुझे ठंड नहीं लग रही, बट मुझे बहुत ठंड लगती है। और हम इतना लंबा सफ़र करके पहुँच चुके हैं लोकेशन पर। देखो फ्रेंड्स, थैला पकड़ने से मना कर रहे हैं, इसमें मेरा टोपा रखा है और इनका टोपा चलो लेके आओ, मैं जा रही हूँ जेब में डाल लो उसको। मेरे टोपे के अंदर दिखाओ सेंटा क्या है इसके अंदर। ये मेरा सेंटा है, मेरे सेंटा ने इसमें मेरे गिफ्ट रखे हैं। क्या रखा है? वाओ। और हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं गाइस। इसीलिए तो इतने दूर से आए थे। बहुत मजा आया, बर्फ ही बर्फ, बहुत ठंड लग रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ कहीं जाते हैं और सोचते हैं वहाँ पे जाके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कुछ नहीं वैसा हो पाता, ठीक है, सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं यहाँ बहुत सारी उम्मीदों के साथ गई थी कि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे शूट करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे इतना रश हो रहा था, इतना रश हो रहा था। जब हम पहुँचे तो बहुत रश था, इनफैक्ट फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जगह नहीं थी। ऊपर से ज़्यादातर लोग इस स्नो की वजह से इस लोकेशन को देख के अट्रैक्ट हुए और यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात और ये भी थी कि वहाँ पर हम जब पहुँचे तो वो कैफ़े भी बंद हो चुका था, तो हम कुछ खा भी नहीं पाए। तो हमने जैसे तैसे करके हम दोनों ने मिलके थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद फिर मैंने इनको भी बोला कि तुम भी जाके स्नो में थोड़ा इन्जॉय करो, और ये फिर ऐसे इन्जॉय करने लग गए कि बस, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती दांत दिखा रहे हैं या फिर शायद ये दिल से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे आकर। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया दोनों ने कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें घर भी आना है और हम आए भी दूर से थे। तो हमने फटाफट से यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे तैसे इन्जॉय किया, एक आध फ़ोटो क्लिक करी, और उसके बाद हम लोग निकल गए। और जब हम निकले तो रास्ते में ठंड और भी बढ़ चुकी थी। मुझे तो बहुत ठंड लगती है सर्दियों में, सबसे ज़्यादा ठंड मुझे लगती है। फिर हम निकले और फिर हमने बाहर से ही कुछ खाया। तो मेरा क्रिसमस तो ऐसे रहा, आपका कैसे रहा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।